इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जात एवं धर्म का अपमान करना नहीं है और यह वीडियो ऐतिहासिक तौर पर सटीक होने का कोई दावा नहीं करती। धन्यवाद। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म किले शिवनेरी पर हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की शपथ लेने के लिए खुद को सक्षम बना लिया और उनके 550 मावलों को साथ में लेकर वो सीधा पहुँचे पुणे के नैऋत्य दिशा में, जो रायरेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर। सह्याद्री के गोद में छिपा हुआ एक रायरेश्वर का मंदिर, शिवचरित्र का ये दूसरा अध्याय। और उस रायरेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर अपने गिने चुने सैनिकों के साथ, मतलब 550 मावलों के साथ स्वराज्य की शपथ ली जाती है। स्वराज्य की शपथ लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने धीरे धीरे करके पूरे मावलों की जो मांझियाली थी, मतलब पूरे जो मावले थे, उनको साथ लिया और एक स्वराज्य नामक एक संगठना बना दी। स्वराज्य नामक एक संगठना, एक राज्य बना दिया, एक महासत्ता, एक साम्राज्य खड़ा करने की शपथ ली और 550 मावलों को साथ लेकर आक्रमण कर दिया और सीधा रोहिणेश्वर पर। कुछ लोग बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जीता हुआ पहला किला है तोरणा, गूगल पे भी वही है और बहुत से लोगों ने प्रूव भी किया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जीता हुआ पहला किला है रोहिणेश्वर, मतलब रोहिड़ा। और उसका प्रूफ भी मेरे पास है। श्रीमंत योगी इस कादंबरी में, इस नॉवेल में रणजीत देसाई ऐसा लिखते हैं कि तोरणा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रोहिड़े पर रात में आक्रमण करके रोहिणेश्वर पहला किला जीता था और उस पर भगवा लहरा दिया। रोहिणेश्वर पर आक्रमण हुआ, उस पर भगवा लहरा दिया और ये किला तब आदिल शाह के हाथ में आता था। ये जो आदिल शाह है वो बीजापुर का सुल्तान था, उसके साम्राज्य में ये रोहिड़ा आता था। रोहिड़े की पूरी लड़ाई देखकर आदिल शाह को लगा कि ये बच्चा है, जाने दो बच्चे को, मतलब एक किला जीता है ना, इसने जाने दो। लेकिन ऐसे कर करके आदिल शाह की फौज को धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज हराने लगे। हराते हराते उन्होंने एक किला नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच किले अपने कब्जे में कर लिए गए। पांच किले कब्जे में करने के बाद आदिल शाह को पता चला ये कोई झिंगारी नहीं है, एक वनवा है वनवा, और इस वनवा को बुझाने के लिए, इस वनवा को ख़त्म करने के लिए उसने भेजा दस्तुर खुद अफजल खान। अफजल खान हाथी जैसा दिखता था, वाई का वो सूबेदार भी रह चुका था, उसे दक्खन के प्रांत के बारे में, मतलब दक्षिण के प्रांत के बारे में सब कुछ जानकारी भी थी और वो महाराष्ट्र में इससे पहले भी आ चुका था, इसलिए उसे भेजा गया। बहुत सी फौज लेकर, घोड़े, हाथी, संपत्ति, तलवारें, शस्त्र, अस्त्र, रथ, सब लेकर अफजल खान निकला स्वराज्य के ऊपर। और उसी वक्त स्वराज्य का जो आसमान था वो काला पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उनका निधन हो चुका था प्रतापगढ़ पर। और दुखद घटना हुई थी स्वराज्य के लिए उसके बाद, लेकिन उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी दुख करते नहीं बैठे। उन्होंने अफजल खान को क्या जवाब देना है उसकी प्लानिंग की। अफजल खान आते जाते सीधा वो वाई को जाने वाला था, लेकिन उसने बीच में से रास्ता अलग चुन लिया। वो सीधा पहुंचा तुलजापुर, तुलजा भवानी देवी के मंदिर को हाथ लगाया, मंदिर की सारी मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया, वहाँ की सारी मूर्तियां भंग कर दी गई है। उसके बाद वो पहुँचा पंढरपुर, पंढरपुर की सारी मूर्तियां भंग कर दी, वहाँ पर मतलब हिंदू स्त्रियों को लूटा गया, उनको भाग कर ले आया गया, कोई बीच में बोलता तो उसकी ज़बान काट दी जाती, मंदिर तोड़े गए, भगवान के सामने गौ माताओं को काटा गया।
उसके बाद वो पहुँचा शिखर सिंगणापुर महादेव जी का एक प्रसिद्ध स्थान है महाराष्ट्र का, वो भी उसने तहस नहस कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता था कि अभी उसके पापों का घड़ा भरने वाला है। तुलजा भवानी जी का छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सर पर हाथ था, उनका आशीर्वाद था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भवानी तलवार माता ने दी, ऐसा भी कहा जाता है, इसी वक्त दी। ऐसे ही एक दंत कथा है, रियल नहीं है लेकिन कहा जाता है। और तब अफजल खान से मुलाकात करने का मतलब वो प्लानिंग हुई कि मुलाकात करते हैं, अफजल खान से भेंट होती है। तो अफजल खान की भेंट के लिए शानदार शामियाना बनवाया गया। शामियाने का क्या लुक बताऊँ आपको, एकदम सुंदर शामियाना, सोने का सिंहासन अफजल खान के लिए, मोत्याच्या झालरी, मतलब मराठी में क्या वर्णन किया जाता है, मोत्याच्या झालरी लावल्या गेल्या। त्या ठिकाणी पुलाचा गालीचा अंथरला गेला, वर सोन्याचा कळस दिसत होता। अफजल खानाला फुकण्यासाठी चांदीची पिगदानी सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बनवून घेतली होती, त्यावरती हिऱ्याचे आणि मोत्याचे एक एक खडे सुद्धा लावण्यात आले। एवढं सर्व संपत्ती ऐश्वर अफजल खानासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभा केलं, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना समजलं अफजल खान यात गुंग राहील, म्हणजे त्याला कळणार नाही आतमध्ये काय चालू आहे, म्हणजे तो होताच पण तो तिथं असून नसल्यासारखा दिसेल। म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एवढी सगळी प्लॅनिंग केली, मतलब अफजल खान को वो जो सुंदरता है, वो संपत्ती आहे, वो देख कर वो उसका लक्ष्य भंग किया जाए और उसको हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर सके, इसलिए इतनी माइक्रो प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई। और फिर अफजल खान से छत्रपति शिवाजी राजे की भेंट होती है। अफजल खान उनके सामने था, अफजल खान उनको बोल रहा था आओ राजे आओ हमारे गले लग जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज आगे गए, आगे जाने के बाद अफजल खान और छत्रपति शिवाजी राजे की भेंट हुई है। उनकी भेंट होते ही अफजल खान छत्रपति शिवाजी राजे को मारने लगता है, और छत्रपति शिवाजी राजे सोचते हैं कि मैं इससे मिल रहा हूँ, ये मुझे मार रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। छत्रपति शिवाजी राजे ने बिछवा निकाला, बिछवा निकाल कर सीधा अफजल खान का जो पूरा पेट था, जो पूरा मतलब पूरा कोथड़ा था, वो छत्रपति शिवाजी राजे के हाथ में आ गया। कट्यार का ऐसा वार हुआ, वाघनक का ऐसा वार हुआ कि अफजल खान पूरा लहू से लाल लाल होकर भागने लगा, वहाँ से भाग गया। और उसके बाद संभाजी कावजी कुंडालकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा, उनके आदेश के द्वारा प्रतापगढ़ के ऊपर तोहफे सज्ज की गई है। सैयद बंडा का वार हुआ उस शामियाने पे, लेकिन शिवाजी महालाजी ने उनका वार भी उड़ा दिया। कृष्णाजी भास्कर को भी मारा गया और तोहफे लगाई गई है प्रतापगढ़ पर। तोहफों के 5 बार हुए और अफजल खान की फ़ौज को ये मराठे भिड़ गए, पूरी अफजल खान की पूरी फ़ौज को ख़त्म कर दिया गया। 5 या फिर 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी फ़ौज ख़त्म कर दी गई है। और उसके बाद उसके मतलब 2 या 4 बजे तक पूरा ये युद्ध चला। 2 बजे उनकी भेंट हुई थी, 4 बजे ये युद्ध चला, युद्ध ख़त्म हुआ। उसके बाद सीधा 8 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज सीधा मुहिम पर निकले। उन्होंने वाई प्रांत काबिज कर लिया, वो कोल्हापुर प्रांत में घुसे, कोल्हापुर प्रांत काबिज किया, पन्हाड़ा पे गए, पन्हाड़ा काबिज किया। और उसी दिन बाद 20 दिनों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा पर भगवा लहराया।